फ्रेंड्स, अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली आपका डिसोल्यूशन में आपकी ग्रेवाल, टीएस ग्रेवाल बुक है जो उसमें है। चलिए समझते हैं। सृजन, रमन एंड मनन, इनके बीच में रेशियो दे रखी 2:2:1, इनकी कैपिटल कुल मिला के ये सारा। मनन की कैपिटल देखिए डेबिट साइड में दे रखी है। प्रॉफिट एंड लॉस का ये डेबिट बैलेंस दे रखा है। इन्होंने कहा कि ये डिसाइड करेंगे इनको डिसॉल्व करने के लिए। सृजन वाज अपॉइंटेड एंड सृजन वाज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन सेल एंड वाज टू बियर ऑल हिज एक्सपेंसेस। ये रियलाइजेशन हो रखा है। इन्वेस्टमेंट 95% रियलाइज हो गए। कंपनी को एक कोई बिल पे करना था, वो पे करा। कंटिंजेंट लाइबिलिटी थी जो 15,000, ये भी पे करना है। और ये पेड वाइज सृजन है, इसकी हमारे पास कोई एंट्री नहीं होगी। समझ गए? क्यों? क्योंकि हम लोग उन्हें कमीशन दे रहे हैं। चलिए, किसको? सृजन को। तो क्या करेंगे? एक आप बनाएंगे रियलाइजेशन एक्ट। एक बनाएंगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने हैं? 3 पार्टनर हैं। और एक बनेगा आपका बैंक अकाउंट। चलिए, सबसे पहले क्या करें कि पूरी बैलेंस शीट जो दे रखी है उसे ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है जी? तो यहाँ पे लिखें प्लांट 2,20,000, इन्वेस्टमेंट 70,000, स्टॉक 50,000, डेटर 60,000, बैंक का बैलेंस कितना है? बैंक का बैलेंस है 10,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। पूरी बैलेंस ही ट्रांसफ़र करनी है, ध्यान रखना। ये 10,000 मनन का है, तो सृजन, रमन, मनन, सृजन, रमन, मनन। मनन का बैलेंस ब्रॉट डाउन है 10,000 रुपये। और ये लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,000, 32,000, 32,000। क्या देखा आपने? कि आपने पूरी एसेट साइड जहाँ जहाँ आपको ट्रांसफ़र करनी है वो आपने कर दी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र करनी कर दी। अब आप देखिए लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है तो वो डाल दीजिए। क्रेडिटर हैं 75,000 के, बिल्स पेबल है 40,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 35,000। एक बात याद रखना है कि कभी भी आपको, जब तक बैलेंस शीट आपकी पूरी ट्रांसफ़र ना हो जाए तब तक आपको आगे नहीं जाना है नीचे। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पहले रियलाइजेशन अकाउंट के टोटल करने लगते हैं। चलिए, अब रियलाइजेशन क्या हो रहा देखिए। प्लांट से मिला मुझे कितना? 85।
स्टॉक से 33, डेटर से 47, इन्वेस्टमेंट से 95% हो रहा है, 70 का 90 होता है 63, तो 66,500। ठीक है जी, अब हम पेमेंट किनको करेंगे, क्रेडिटर 75, बिल्स पेबल 40, आउटस्टैंडिंग सैलरी 35, एक कोई रिपेयर का बिल था 7500 का, वो भी पे करना है, और एक डिस्काउंटेड बीआर की 15,000 की लायबिलिटी है, वो भी करना है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, दैट विल बी 172,500। ठीक है, ओके। और इनका टोटल कितना है देखें ज़रा, 85, और ये हो जाएगा 80, 165, 230, 231, 500। ठीक है जी, अब इनको कमीशन कितना देना है, सृजन को जो कमीशन देना है वो लिखें, टू थर्टी वन फाइव हंड्रेड का 5%, ये होता है 11750। ठीक है जी, अब इसका टोटल करें जरा, तो 220 और 123,40, 4 लाख। ठीक है जी, 5,72,500, 584,075, 584,075। ठीक है जी, ये 1,50,000 हो गया, तो ये हो जाएगा 3,81,500। ठीक है जी, 3,81,500। तो लॉस कितनी आ रही, 202,575। ये ट्रांसफ़र कर दें सृजन, रमन और मनन, ये ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है जी, कितना कितना हो जाएगा, चलो एक काम करते हैं, लेट्स डू सम कैलकुलेशन पार्ट। ये आ जाएगा 40,515, एंड 810,30, 810,30। ठीक है जी, तो अब रियलाइजेशन की लॉस ट्रांसफ़र करें, सृजन को रिलाइजेशन से ये पेमेंट भी मिलनी थी,
या 211575, 211575, 1,50,000, 1,50,000, और ये आया 66515, 66515, ठीक है जी। तो ये 66515, ये तो पैसा आएगा, तो ये आएगा हमारा मनन कैपिटल से 66515, ठीक है। चलिए अब इसको देख लें जरा, वन लैख 50,000 हमारा तो 36,970 आ रहा है इनका, और ऐसे ही इनका निकाले जरा, तो ये आ रहा है हमारा 98545, ठीक है जी। चलिए तब टू रियलाइजेशन 231500 बाय रियलाइजेशन 172500 बाय सृजन कैपिटल 98545, ये बैंक अकाउंट में पे कर दें, बाय रमन कैपिटल 36970, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 231.66, 297, 298, तो 308015, ठीक है। चलिए ज़्यादा कठिन नहीं था, बस कैलकुलेशन पार्ट था, थोड़ा समझ आ गया होगा आपको। बस जिस तरीके से, जिस कॉन्सेप्ट से हम लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही आपको अप्लाई करना है, आपके क्वेश्चन होते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।